मंगलवार को ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के बैनर तले सदस्यों ने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा 11 गांव की लगभग 20,000 बीघा बेशकीमती बहुफसलीय जमीन को लेने के लिए जारी किए गए अर्बन मोटिवेशन को तत्काल रद्द करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि इससे लाखों किसानों की जमीन आने से बर्बाद हो जाएगी और भुखमरी फैल जाएगी। पूर्व क्षेत्र के किसान इसका विरोध कर रहे हैं। हजारों आपत्तियां दर्ज कराई जा चुकी हैं। इसके बाद भी एमडीए और जिला प्रशासन जबरन बाग गुमराह करके लोगों की जमीन चीन पर आमादा है लोगों की जमीन छीनने पर आमादा है। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के संयोजक अविनाश चंद ने कहा, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हम लोगों की मांग है कि जो एमडीए ने नोटिफिकेशन जारी किया है 1250 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण करने का, उसे तत्काल रोका जाए, तुरंत उसे रद्द किया जाए। इन गांव के किसान ये नहीं चाहते कि उनकी जमीन एक्वायर की जाए। वो तमाम लोगों ने इसके खिलाफ 10,000 लोगों ने लगभग अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन उनकी जमीन, किसानों की जमीन अधिग्रहण करना चाह रहा है और नई शहर बसाने के नाम पर कोई नया शहर नहीं बसाया जाएगा। जो पुराना तमाम कॉलोनियाँ हैं उनमें हजारों हजार प्लाट खाली पड़े हैं। केवल इससे इस अधिग्रहण से लाखों लोगों को का रोजगार चला जाएगा, जमीनें चली जाएंगी, वहाँ उससे जुड़े हुए कृषि से जुड़े हुए तमाम उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे और लाखों लोग इससे बेकार बेरोजगार बेघर हो जाएंगे। इस मौके पर हरकिशोर सिंह, मोहम्मद गौरी एडवोकेट, रामकिशोर रस्तोगी आदि लोग मौजूद रहे।